इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मई और जून के महीने में उत्तराखंड के कौन कौन से डेस्टिनेशन को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर कि आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, कैंपिंग एंड ट्रैकिंग कर सकते हैं और साथ में जो है अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में एंजॉय कर सकते हैं अपने वेकेशंस को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों वेलकम टू परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मई के महीने और जून के महीने की जो है केदारनाथ की जो बुकिंग्स हैं होटल्स की वो फुल हो चुकी हैं। वहां पर जो है स्टे करना इस टाइम मई और जून में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है स्टेज वो फुल हो चुके हैं, जिसके कारण काफी सारे दर्शनार्थियों को जो है वहां पर एक कह सकते हैं कि इस निराशा का सामना, काफी सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अपनी छुट्टियों को उत्तराखंड में जो है स्पेंड करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय करें, बट जो केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आना चाहते थे उनको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप प्लान करना चाहते हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्लान कीजिए। आपको स्टे की जो है पहले ही अपनी जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किस जो है वहां पर स्टे का अरेंजमेंट करवा लीजिए, क्योंकि परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग जो है चार धाम यात्रा, दो धाम यात्रा, ओनली केदारनाथ, चौथा तुंगनाथ के साथ में आप अपनी आइटम जो आइटनरी है उसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। हम लोग जो है कस्टमाइज आइटनरी देते हैं और जो भी आपको फैसिलिटीज दी जाती है वो बेस्ट दी जाती है, और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हमारा जो गेस्ट है वो पूरा इंजॉय करे और किसी भी टेंशन, किसी भी तरह की उसको कोई भी टेंशन ना हो। तो दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप केदारनाथ दर्शन नहीं कर पा रहे मई और जून में, फिर भी आप चाहते हैं कि उत्तराखंड आप एक्सप्लोर करें, तो आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से डेस्टिनेशन जो है केदारनाथ घाटी के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए पहली बात, पंच केदार में जो है आप दर्शन कर सकते हैं, पंच केदार के दर्शन, बट केदारनाथ उनमें छूट जाएंगे। बाकी चार केदार आप कर सकते हैं, जैसे कि मधमेश्वर ट्रैक एक बहुत ही अच्छा खासा ट्रैक है, बहुत सुंदर ट्रैक है, और वहां पर जब इन्वायरमेंट जो है आपको बहुत ही शांत इन्वायरमेंट मिलता है, ट्रैकिंग बहुत अच्छी है वहां की, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ में चौपता तुंगनाथ आप कर सकते हैं, रुद्रनाथ आप कर सकते हैं, या कल्पेश्वर आप कर सकते हैं। ये पंच केदार जो है ये आप जो है इनमें से चार केदार के आप दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ चाहे तो आप सिंगल डे में अप डाउन कर सकते हैं हेली के सर्विस की हेल्प से, या फिर आप खच्चर जो है घोड़े खच्चर की हेल्प से वहां पर जो है सिंगल डे के अंदर अप डाउन कर सकते हैं। आपको स्टे में दिक्कत हो सकती है तो आप सिंगल डे में वैसे प्लान कर सकते हैं, आप पंच केदार कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे त्रियुग नारायण है उसके दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह स्थल जिसको कहा जाता है। आप उसके बाद रुच महादेव जा सकते हैं, काली मठ जा सकते हैं, यहाँ पर हमारी कलशिला जो माता जी का जो टेम्पल है वहां कर सकते हैं, काली मठ जा सकते हैं, आप कोटेश्वर महादेव जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं उत्तराखंड में एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप जो है अपनी छुट्टियों को वेस्ट ना करें। आप केदारनाथ घाटी के अंदर ही बहुत सारी जैसे आपको दार्शनिक स्थल मिलेंगे, ओमकारेश्वर टेम्पल है, या आपको जो हमारा विश्वनाथ जी का टेम्पल है गुप्तकाशी में वहां पर आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे अदर ट्रैक्स, अगर आप बात करें कि हमारे जो बुग्याल्स हैं यहाँ पर, काफी सारे बुग्याल की आप ट्रैक कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आप इंजॉय करना चाहते हैं अगर अपनी छुट्टियों को, वैकेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इन डेस्टिनेशन को भी माइंड में रख सकते हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि आप जो है सितंबर अक्टूबर में प्लान करिए केदारनाथ का, अगर आप करना चाहते हैं, बाकी आप इन जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।